हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्यार भरा सलाम। जैसे कि आप जान ही चुके होंगे कि स्पार्क टेल्स है हमारे इस चैनल का नाम और मैं हूँ अंजलि शर्मा। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं गोलू मोलू टाइप्स लड़कियां जो मेरी तरह हैं, ना तो मोटू हैं ना पतली हैं, ना तो वो प्लस साइज में है और ना स्लिम ट्रिम में। उनको कैसे अपने कपड़ों को अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहनना है, तो हम आपको आज की वीडियो में यही बताने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारी लड़कियां हैं जो ये सोचती हैं कि हम लूज लूज कपड़े पहनकर पतली दिखने वाली हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम आपको आज की वीडियो में दिखाएंगे कि आप कैसे अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल और प्यारे क्यूट दिख सकते हो। आपके लिए ऐसे वीडियोस लेकर आने वाले हैं जिसमें आप अपने घर में रखे हुए सामान या अपने किचन में रखे हुए सामान से अपने स्किन का ध्यान रख सकते हैं, वो भी बिना पार्लर गए। हम आपको ऐसे ही मजेदार और अच्छे अच्छे इजी इजी ट्रिक्स बताने वाले हैं अपने हर एक वीडियो में। तो आज हम आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर आए हैं आप खुद ही देख लो। हम आज की वीडियो में आपको दिखाएंगे कि मेरी तरह लड़कियां जो गोलू मोलू टाइप्स हैं किस तरीके का ड्रेसअप कर सकती हैं और कैसे अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल दिख सकती हैं। अब ये ड्रेस देख लो, ये अभी अभी मैं अपनी अलमारी से निकाल के लाई हूँ और मुझे पता है कि आपकी अलमारी में भी ऐसी बहुत सारी ड्रेसेस होंगी जो आपके साइज के अकॉर्डिंग आपको बहुत लूज है। तो मैं आपको बताऊं कि जब मैं ये ड्रेस पहनती हूँ ना, इतनी गंदी लगती है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो मैं आपको इसलिए ये ड्रेस दिखाने वाली हूँ कि मैं आपको बताऊंगी कि आपकी अलमारी में भी अगर ऐसी लूज लूज ड्रेसेस पड़ी है ना, तो उनको आपको अपनी बॉडी के हिसाब से कैसे फिटिंग में पहनना है। तो चलिए ना देखते हैं इसको कैसे पहनना है। अब ये देख लो, ये ड्रेस पहन के मैं आपके सामने हूँ। अब आप देख लो कितना लूज लगता है ये। ओ माई गॉड, साइड से देख लो, फ्रंट से देख लो, कितना ढीला है। इस लूज सी ड्रेस को कैसे हम अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग लेकर आएंगे? सबसे पहले हम लेंगे एक बेल्ट और बेल्ट को अपने कमर के हिसाब से अपनी बॉडी के फिटिंग के अकॉर्डिंगली अच्छे से बांध लेंगे। एक लूज सी ड्रेस बेल्ट लगाने से कितनी फिटिंग में आ गई है, तो अब आप खुद ही देख लो कि मेरी ड्रेस कैसी लग रही है मुझ पर। अब आपने देखा कि कैसे मैंने इस अपनी ढीली सी ड्रेस को अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहना सिर्फ एक बेल्ट लगाकर। तो आप भी अपनी अलमारी में रखे हुए ढीले कपड़े निकालिए और उसे एक बेल्ट के यूज से अपनी फिटिंग में पहनिए। बेल्ट ही नहीं बल्कि आप एक डोरी का यूज भी कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक बॉर्डर वाला दुपट्टा है तो आप अपने उस दुपट्टे के बॉर्डर का यूज भी कर सकते हैं, उसका नॉट बांधकर आप अपनी ड्रेस को पूरी फिटिंग में ला सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी दूसरी ड्रेस की तरफ। ये मेरा दूसरा ड्रेस, अब आप देखो ये टॉप भी मुझे उसी ड्रेस की तरह बहुत लूज है। उसको तो हमने बेल्ट बांध के अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहन लिया। और मैं अब आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास भी ऐसे लूज लूज टॉप है ना, तो उनको आपने कैसे अपनी फिटिंग के अकॉर्डिंग पहनना है। तो चलिए इसको पहन कर देखते हैं। अब आप देखो कि मैंने ये टॉप पहन लिया है, पर आप खुद ही देख लो कि ये कितना लूज है। और अगर मैं आपको साइड में होके दिखाऊंगी तो ये कितना गंदा और कितना भद्दा नजर आता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो इसकी डोरी आपकी लेफ्ट साइड में है, तो ये डोरी हम ओपन करके इसको हम राइट साइड से, एक साइड से आगे से और पीछे से, दोनों साइड से लेकर राइट साइड में अच्छे से नॉट कर देंगे, उसको हम बांध देंगे। तो ऑटोमेटिकली लेफ्ट साइड का नॉट आपका राइट साइड में चला गया, तो आपकी प्रॉपर फिटिंग आ जाती है। ऐसा नॉट वाला टॉप नहीं है, मतलब उसमें डोरी नहीं लगी है,
तो भी आप अपने टॉप को बहुत अच्छे से फिटिंग में कर सकते हैं। हमारे पास है ये पिन, तो हम क्या करेंगे कि अपने टॉप का मिडल पार्टीशन करके ऐसे पकड़कर इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे और अंदर से हम इसे पिन से पिन अप कर देंगे। तो आपने देखा कि हमने कैसे इतना लूज टॉप एक पिन की हेल्प से बिल्कुल अपने बॉडी की शेप के अकॉर्डिंग फिटिंग में पहन लिया। तो अब हम जो नेक्स्ट ड्रेस के बारे में बात करने वाले हैं ना, उस ड्रेस को मैं जाके अलमारी से निकाल के आपको बिल्कुल भी दिखाने वाली नहीं हूँ, बल्कि उस ड्रेस को मैं आपको डायरेक्ट पहन के दिखाने वाली हूँ। और एक और चीज़, मुझे कन्फर्म है, मुझे पता है इस बात का कि ये ड्रेस आपको बहुत पसंद आने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि हम एक ड्रेस को 2 times कैसे अलग अलग तरीकों से पहन सकते हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं। तो चले अब जब बात साड़ी की चली है तो मैं आपको बता दूं कि जैसी बोलू मोलू 10 बार सोचती है साड़ी पहनने से। सबसे अच्छी बात ये है इस स्कर्ट की इसके ऊपर आप साड़ी जब पहनेंगे ना तो बहुत प्यारी लगने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल आपके स्किन के अकॉर्डिंग, आपकी फिटिंग के अकॉर्डिंग स्ट्रेट फिट है। तो सबसे पहले हम जैसे साड़ी लगाते हैं वैसे हम ये पल्लू इस तरीके से स्कर्ट के अंदर लगा रहे हैं। तो साड़ी में सबसे पहले हम पल्लू सेट करते हैं कि पल्लू ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हमने पल्लू अपना सेट कर लिया है, उसके बाद हम साड़ी के फ्रिल्स लगाएंगे। तो ये देखिए हमारी साड़ी की फ्रिल्स रेडी हैं और इसको हमने टक इन कर लिया है, मतलब अपने पेटीकोट के अंदर डाल लिया है। हमने पेटीकोट बिल्कुल यूज नहीं किया है, हमने अपना स्कर्ट टॉप किस तरीके से अपनी साड़ी के लिए यूज किया है ये आप देख रहे हैं। तो आपने देखा कैसे हमने अपने स्कर्ट टॉप को साड़ी के साथ भी यूज कर लिया, मतलब हमने एक ड्रेस को 2 times पहन लिया लेकिन किसी को पता भी नहीं चला। अब मैं आपको बताने वाली हूँ हमारे नेक्स्ट ड्रेस के बारे में। तो हमारा नेक्स्ट ड्रेस है हमारा इंडियन सूट, मतलब हमारा भारतीय सूट। तो हम सूट पहनने से पहले ये देखते हैं कि ओ माय गॉड, ये सूट मुझ पे ढीला है, टाइट है, इसमें मैं मोटी लग रही हूँ, इसमें मैं भद्दी लग रही हूँ, इसमें मैं गंदी लग रही हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ आप किस तरीके से सूट पहनकर एक दुपट्टे की हेल्प से अपनी कमर, अपना पेट या अपने डोले शिवलिंग को छुपा सकती है। अब आप देखो, ये मैंने एक इंडियन सूट पहना हुआ। ओह गॉड, अभी मैं देख रही हूँ कि इसको ये यहाँ से लूज है, साइड में से देखती हूँ तो ये साइड में से भी लूज लग रहा है। अभी मैंने गले में दुपट्टा रखा है, ओह वो कितना गंदा लग रहा है ये। हम आपको इस वीडियो में दिखा रहे हैं कि आप कैसे कैसे इंडियन सूट पर दुपट्टा यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम अपने दुपट्टे का एक साइड अपने राइट साइड पर रखेंगे और एक साइड को लॉन्ग उसको आगे पीछे के लिए छोड़ देंगे और बीच में अपने शोल्डर को उसे पिन से पिन अप कर लेंगे। तो आप देखिए लुक कितना प्यारा लग रहा है। इसमें आपका शोल्डर भी ज्यादा ब्रॉड नहीं लग रहे, आपका टमी का पार्ट आधा छिप गया है और आप बहुत ही प्यारे दिखने वाले हो। तो ये फर्स्ट लुक हमारा दुपट्टे का हो गया। अभी हम चलते हैं सेकेंड पर। तो सेकेंड में आपको क्या करना है कि दुपट्टा सेम इसी पोजीशन में रखना है जैसे आपने इसको पिन अप किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अपना आगे वाले दुपट्टे का एक कॉर्नर पकड़कर अपने लेफ्ट साइड को लेकर जाएंगे और जो स्कर्ट या सलवार सूट आपने पहना है उसमें जाकर आप उसको अंदर टक इन कर लेंगे। मेरा ये सूट और दुपट्टे का लुक कैसा लग रहा है आपको? अब हम आपको दिखाएंगे थर्ड लुक। थर्ड लुक में आपको क्या करना है कि अगर आपको एक साइड दुपट्टा अच्छा नहीं लगता है और आपको पूरा दुपट्टा यूज करना है
तो आप क्या करेंगे कि दोनों साइड से एक पार्टीशन कर देंगे एक दुपट्टे का। राइट साइड को आपका दुपट्टा जितना पीछे होगा उतना ही लेफ्ट साइड को भी होगा, और उसे अच्छे से यहाँ पे अपने शोल्डर्स पे पिन अप कर लेंगे। कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत इजी स्टेप है, और आप खुद ही देख लीजिए कि इसका लुक कैसा जा रहा है। तो ये था हमारा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो भी प्लीज कमेंट में जरूर लिखिए। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हमने अपनी वीडियो में आपको दिखाया कि मेरी तरह गोलू मोलू लड़कियाँ किस तरीके से अलग अलग ड्रेसेस को अपने फिटिंग के अकॉर्डिंग पहन सकती है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया।